दोस्तों बात करेंगे कांग्रेस के किस बड़े नेता ने गद्दारी की जिसकी वजह से इंडिया न्यूज के मालिक कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद बन गए। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के साथ बेहुदा मजाक दिखाई देता है। हरियाणा में दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव था, एक पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत निश्चित थी, वो जीत गए। दूसरी पर कांग्रेस के अजय माकन की जीत तय नजर आ रही थी क्योंकि कांग्रेस के पास भी 31 एमएलए थे, लेकिन अजय माकन चुनाव हार गए और कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। चुनाव जीते कैसे वो लोकतंत्र के साथ मजाक है। दोस्तों अजय माकन को कांग्रेस के 31 एमएलए में से 29 वोट मिल पाए, कार्तिकेय शर्मा को भी 29 वोट मिले, लेकिन 0.6 वोट से वो जीत गए। 0.6 वोट क्या है? विधायकों से पूछा जाता है कि आपकी प्रथम वरीयता दूसरी वरीयता क्या है, तो वरीयता के आधार पर जो पॉइंट मिले उसमें कार्तिकेय शर्मा जीत गए। इसके अलावा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने क्रॉस वोटिंग कर दी और एक विधायक का वोट कैंसिल कर दिया गया। वोट क्यों कैंसिल कर दिया ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस नेता ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ उनका नाम है कुलदीप बिश्नोई। गद्दारी करने के बाद, क्रॉस वोटिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं वो भी देखिए। फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। दोस्तों कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, जिन्हें कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया था, बुरी तरह चुनाव हार गए थे, उन्होंने भी पिता की तरह अहंकारी बयान देते हुए कहा, हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। तो दोस्तों पार्टी से गद्दारी करने के बाद अहंकार भी चरम पर है। पिता पुत्र कहते हैं कि हम समंदर हैं, शहर ले डूबेंगे। हकीकत यह है कि कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा में जनाधार सिर्फ एक सीट तक सिमट गया है। कांग्रेस ने उन्हें दूसरा मौका दिया, पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे, नई पार्टी बनाई थी, 6 एमएलए जीते, 5 छोड़कर भाग गए। उसके बाद जब कुछ नहीं दिखा तो कांग्रेस में वापस आ गए। कांग्रेस ने पूरा सम्मान दिया, विधायक बन गए, बेटे को भी टिकट दिया कांग्रेस ने, बुरी तरह हार गए और उसके इतनी बुरी हार झेलने के बाद भी कहते हैं कि हम समंदर हैं, शहर ले डूबेंगे। हकीकत यह है कि कुलदीप बिश्नोई जिस तरह अब जमीनी राजनीति से दूर हो गए हैं, उन्होंने चौधरी भजनलाल की राजनीति को डुबो दिया है। चौधरी भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनका एक बड़ा जनाधार था हरियाणा में। इसके अलावा एक और विधायक का वोट कैंसिल किया गया और इससे पहले जो ड्रामा हुआ वो भी बड़ा शर्मनाक है। कार्तिकेय शर्मा के एजेंट थे दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि देखिए किरण चौधरी और बीबी बत्रा नाम के विधायक ने मुझे वोट दिखा दिया, इनका वोट कैंसिल करो, ये कोई बच्चों का खेल है यार, देखो कि मुझे वोट दिखा रहे हैं, इनका वोट कैंसिल करो। इसके बाद कई घंटे तक मतदान रुका रहा, चुनाव रुका रहा। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने कई बार वीडियो फुटेज देखने के बाद कहा कि नहीं, वोट मान्य है, वोट रद्द नहीं किए जाएंगे। उसके बाद रात में भी गजब का ड्रामा हुआ। एक बार खबर आई कि अजय माकन जीत गए हैं, सुबह देखा तो ये खबर आती है कि अजय माकन हार गए हैं और रिकाउंटिंग के बाद एक वोट कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है। क्या आप सोच कर देखिए पिछली बार हरियाणा में क्या हुआ था, सुभाष चंद्रा जो चुनाव जीते थे राज्यसभा का, तब कहा गया कि कांग्रेस के कई विधायकों ने दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए वोट कैंसिल कर दिए जाते। एक पेन डिसाइड कर देता है कि राज्यसभा चुनाव में कौन जीतेगा, सांसद कौन बनेगा। तो राज्यसभा चुनाव के आखिरकार मायने क्या है, ऐसे सांसद क्या चुने जाने जो खरीद फरोख्त करके, सेटिंग करके और इस तरह मजाक चुटकुला है यार, एक पेन की बजाय दूसरे पेन से साइन कर दिया तो उसका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें लोकतंत्र पर भी सवाल उठाती हैं, राज्यसभा के जो सांसद चुने जाते हैं उन पर भी सवाल उठाती है कि कई सारे सांसद तो ऐसे चुने जाते हैं जो संसद में कभी भाषण नहीं देते, जाते नहीं है, बस उन्हें पैसा उनके पास होता है, बस उन्हें अपने नाम के पीछे पूर्व सांसद लिखवाना होता है, सांसद लिखवाना होता है, इसीलिए लोकतंत्र के साथ ऐसा मजाक करते हैं और हरियाणा का राज्यसभा चुनाव इसी को साबित करता है। आप इस तरह के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।